ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार और डालमिया भारत 2040 तक पूरी तरह से कार्बन मुक्त होने की तैयारी में है। जी हाँ, आने वाले दिनों में कंपनी का देश का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट बनाने का लक्ष्य है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डालमिया भारत के MD और CEO महेंद्र सिंघी। महेंद्र जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो आपकी कंपनी ने जो नया प्लान, नया इनिशिएटिव अडॉप्ट किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके बारे में हमें बताएं। लो कार्बन ट्रांजिशन आपका लक्ष्य है, क्या लगता है आपके कारोबार पर इसका कितना असर पड़ा है? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी डालमिया सीमेंट, जो डालमिया भारत ग्रुप का पार्ट है, इसमें शुरू से ये विजन रहा है कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान रखेंगे, अगर हम कस्टमर सेंट्रिसिटी पे ध्यान रखेंगे और अगर हम ऐसे काम करते जाएंगे जिससे कि एमिशंस कम होते जाएं, CO2 एमिशंस कम होते जाएं और उसके साथ साथ में एफिशिएंसी बढ़ती जाए, तो डेफिनेटली कंपनी में अच्छा मुनाफा भी होगा और उसके साथ साथ में एक सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी पे काम करना बहुत जरूरी है और आप सबको पता होगा कि एक काम करते करते हमारी कंपनी अब लोवेस्ट कार्बन फुटप्रिंट सीमेंट वर्ल्ड वाली कंपनी हो गई है और उसके कारण से हम लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, हमारी सस्टेनेबिलिटी बढ़ी है और हम अपने आगे के फ्यूचर के लिए बहुत एश्योर्ड है। बिल्कुल, प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी आपकी बढ़ी है, लेकिन सीमेंट क्षेत्र की सबसे बड़ी कार्बन कैप्चर प्लांट बनाने का लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं, इसके बारे में जरा विस्तार से हमें बताएं। हमारा ये मानना था कि जब हम लोएस्ट कार्बन फुटप्रिंट वाली सीमेंट कंपनी बन गए हैं तो आगे अब हमें अपने और फ्यूचर को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए और उसके लिए हमारे टीम में ये थॉट्स आए कि हम ऐसा काम करें जिससे कि हमेशा के लिए हमारा कार्बन एमिशंस कम हो जाए और उसके लिए एक जो बड़ा मैं बताऊंगा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन मेरा में मिला कि अगर हम CO2 जो पूरे सीमेंट प्रोसेस से निकलती है उसको कैप्चर कर लें और उसको कैप्चर करने के बाद में उसको कोई ना कोई पर्पस के लिए यूटिलाइज भी कर लें, जिसको हम नॉर्मली अपनी टेक्नोलॉजी में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन बोलते हैं या CCU बोलते हैं, तो ये करने से बहुत बड़ा काम ना खाली डालमिया सीमेंट के लिए होगा पर ग्लोबल सीमेंट वर्ल्ड के लिए भी होगा और दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी होगा। उसको सोचते हुए हमने जब ये देखना चालू किया कि कौन इसके अच्छे टेक्नोलॉजी के प्रोवाइडर्स हैं, तो हमें कार्बन क्लीन सॉल्यूशंस वाले लोग मिले जो UK बेस्ड हैं और उन्होंने बताया कि अगर आप इस टाइप का एक प्लांट लगाएं, इसके लिए आप स्टडी चालू करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा होगा। और उसी को देखते हुए हमने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है श्री अनिरुद्ध शर्मा के साथ में और उसका पर्पज यह है कि हम 5 लाख टन की कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर का प्लांट लगावें, इसके लिए पहले स्टडी करें और फिर इस प्लांट को आगे चालू करें और बाद में धीरे धीरे हर हमारी जो सीमेंट यूनिट है उसमें वो लग जाए। जी बिल्कुल, लेकिन सीमेंट वॉल्यूम्स में हमने 1% तक का इजाफा देखा है, आपकी न्यू कैपेसिटीज जो कि आप एडअप करने का प्लान कर रहे हैं, इससे वॉल्यूम के फ्रंट पर आप क्या कुछ देख रहे हैं? हमारा जो नई कैपेसिटीज है वो नेक्स्ट ईयर आएगी और उसके तब तक हमें लगता है कि सीमेंट में रिवाइवल भी आएगा और उसके साथ साथ सीमेंट डिमांड बढ़े या कम बढ़े, लेकिन चूंकि हमारी ब्रांड पोजिशनिंग अच्छी है, हमारी क्वालिटी अच्छी है और हम इंडिया के सबसे ज्यादा स्लैग सीमेंट और कंपोजिट सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, तो हमें इसलिए अपना फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल महेंद्र जी, आपके तमाम इनिशिएटिव्स बेहतरीन हैं, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आने वाले तिमाहियों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।